मामा मुझे घर जाना है। तुम कैसे जा सकती हो बेटा? मैं जानती हूँ कि जिस जान तकलीफ में, मैंने ख्वाब में देखा, माँ जी ने बताया मुझे। अरे तुम अकेली नहीं जा सकती, आसिम को ले जाओ। कहाँ जा रही हो? क्या मुझे जाना है भाई, मुझे जाना है। क्या मेरा फोन? मैं ले आता हूँ, तुम गाड़ी में बैठो और संभालो खुद को। जाओ गाड़ी में बैठो। भाई खुदा के लिए मुझ पे इतना जुल्म मत कर, मेरी तरफ देखिए। आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? मैं बेकसूर, मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। भाई खुदा के लिए बस कर दे, खुदा के लिए तुम बस कर दो। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्मिला भाभी ने भेजा। झूठ बोल रही है तुम, शर्मिला ने भेजा था तुम्हें। अगर तुम्हें जिशान के साथ नहीं रहना है तो खुला लो उससे और रहो जाके तौकीर के साथ। मुझे जवाब चाहिए इससे। जो अल्लाह के बंदों को सताता है वो भी कभी उन्हें माफ नहीं करता। शर्मिला ने रिदा की जिंदगी में जो कांटे बिछाए, फिर वो खुद ही उनमें उलझ कर रह गई। उसकी हरकतें बचपन से ऐसी थी, हर एक के साथ चलाकियां करती थी और अम्मा उसकी हरकतों पे हंस देती थी। अगर अम्मी ने उस वक्त उसको रोका होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। माँ बाप का लाड प्यार औलाद को बिगाड़ देता है। मुझे उसकी फिक्र लगी हुई है, खुदा जाने कहाँ गई होगी। सलमान मैं जानती हूँ आतिम ने शमीला को तलाक देकर बहुत गलत किया। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग घर बेच कर कहीं जा चुके हो तो यकीन जानो मैं उसे कभी भी घर से जाने ना देती। इसके लिए मेरे आतिम को माफ कर देना। खाला कोई इत्तला मिले तो मुझे बता दें, मैं भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दिल पे ये जो बोझ है ना माँ जी, ये बस एक तरह से खत्म हो सकता है कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार अगर मुझे माफ कर दे तो। हेलो हेलो माँ जी, जिशान का कुछ पता चला? जिशान कहाँ है? हाँ रिदा, उसका फोन आया था, माफी मांग रहा था मुझसे भी तुमसे। तुम पर लगाए गए इल्जाम का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, खुद को कोई सजा देने चल पड़ा है, खुदा मालूम क्या। दुआ करो रिदा, उसके लिए दुआ करो, मेरा अल्लाह उसे माफ कर दे, वो खुद को माफ कर दे। दुआ करो। क्या हुआ, क्या हुआ रिदा? क्या हुआ? अब भी सोच ले, बहुत तकलीफ होगी तुझे, जान भी जा सकती है तेरी। अबे ओ डब्बू, पानी दे इसको, चल मर्जी है इसकी, हाथ बांध इसके और सख्त से बांधी हो। मारा जाएगा भाई, ये तो मारा जाएगा। हाँ माँ,
दिलावर बात कर रहा हूँ। बीवी तेरा शोर आया है मेरे पास मरने के लिए। उसने इस पर्चे पे साइन किया है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इस नंबर पे फोन करूँ। क्या आप कौन है? दीवाना सा लगता है, सोचा आपको फोन करके बता दूं। हमें तो हमारा पैसा मिल चुका है, अब आप देख लो क्या करना है। मुझे फोन करो। हेलो, कौन? ईशान भाई किधर? हाँ मुझे पता लिखवाइए हम आते। जी हम फॉरेनर। जी 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 मैं पता लिख रहा हूँ। मुझे बताइए क्यों छोड़ के चले गए? अरे लैला, इस खामोश कब्र के साथ क्यों बैठी लिपटी रो रही हो? कौन हो तुम लोग? अरे जाने मन अपना ही समझो, हम तुम्हारे अपने ही हैं। क्या बदतमीजी है ये? तमीज नहीं है तुम लोगों को? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं सबको बुला लूंगी, आगे मत बढ़ना। पुलिस केस हो जाएगा वरना। चल 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 चल।